हे गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस। मेरा सुबह 7:50 में ट्रेन है, तो हम फिलहाल हम पहुंच चुके हैं लोकमान्य में। ये है लोकमान्य तिलक टर्मिनस। तो सुबह में बहुत खाली है, इतना भीड़ भी नहीं है, बहुत ऐसे खाली है जगह। तो हम अभी जाएंगे अंदर प्लेटफॉर्म पे। जब हम स्टेशन पर एंट्री किया अंदर जाने के लिए, तो कोई पुलिस अफसर मेरा बैग लगेज सब कुछ चेक किया, तो कोई बात नहीं। चेक करने के बाद हम अंदर आए, तो अंदर का जो मटेरियल है वो सजावट किया, बहुत खूबसूरत है। कुछ पीछे के साइड जो है मेरे पीछे सामने आए हुए, बहुत खूबसूरत है। आगे देखते क्या क्या है। और इसकी दीवारों में जो मुंबई के फेमस होटल है ताज होटल, और कुछ मूर्ति का प्रदर्शन किया गया है। काफ़ी कुछ जो फेमस की जगह है या फेमस की टेम्पल वो भी दर्शाया गया है। और ये रही लोकमान्य तिलक टर्मिनस के जो नज़ारा है स्टेशन को, अंदर से साइड से ऊपर से बहुत खूबसूरत सजाया गया है स्टेशन को, खाली बहुत खूबसूरत है। हम अभी आ चुके प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, और ट्रेन भी आ चुका है प्लेटफॉर्म नंबर एक पे। और हमारा कोच है B61, जो कि लोकमान्य से कामाख्या तक चलती है। लोकमान्य से कामाख्या तक जाऊंगा, वो लोकमान्य टू कामाख्या एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो मैं आज इस ट्रेन में सफर करने वाला हूँ, और मेरा कोच नंबर है 6 6 बॉगी A नंबर, और फुल्ली एयर कंडीशन है ये। पहली बार मैंने किसी एसी ट्रेन में रिजर्वेशन कर रहा हूँ या ट्रैवल कर रहा हूँ एसी कोच में, बहुत अच्छा लगा। बट आपको सब दिखाएंगे एसी कोच कैसा होता है, क्या फ़ायदा होता है एसी कोच में। तो चलिए हमारे सीट के अंदर हम अभी जाने वाले हैं, हमारे कोच के अंदर। चलिए एसी कोच में एक ही फायदा होता है कि आपको पीलो और ब्लैंक शीट, कंबल, ऐसा और भी जितना ठंडे की चीज़ है वो लोग प्रोवाइड करते हैं IRCTC वालों। जब हम लोकमान्य तिलक टर्मिनस पार करके इस तरफ आए, देखा इस तरफ कितना धूप है, और लोकमान्य टर्मिनस की तरफ मौसम कितना हल्का है। वह हम पहुंचने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो कुछ देखते कुछ मिलता है या नहीं स्टेशन में। फिलहाल तो अभी हम उठे नींद से, तो आज पता चल वैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको मेरी तरफ से। देख सकते हो सभी लोग सो रहे हैं, मैं भी सो रहा हूँ, अभी सोते उठाओ।